हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी अनीता पालीवाल, वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मनी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनी होता क्या है, जब मनी इवॉल्व नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारी इकोनॉमी कैसे चलती थी और मनी के मेन फंक्शंस होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूँ कि मनी क्या है, तो आप मुझे कहेंगे मनी वो चीज़ है जो मनी वाले काम करता है। वो हर एक चीज़ जिससे मनी वाले काम हो जाते हैं वो मनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक लेट सपोज 100 रुपीज़ का नोट है तो आप उससे सामान परचेज कर सकते हैं। मेरे पास 100 रुपीज़ का नोट नहीं है, मेरे पास मेरा लेट सपोज डेबिट कार्ड है। दो इट इज़ नॉट 100 रुपीज़ नोट, बट स्टिल वो जो मेरा डेबिट कार्ड है वो मेरे लिए मनी वाला काम करेगा, राइट? तो मनी को आप समझिए कि मनी वो है जो मनी वाला काम करे। अब आप पूछेंगे कि मनी वाला काम क्या होता है। सो आपको जानना ही है कि मनी का काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं मनी के, वो हम इस चैप्टर में भी जानेंगे। उससे पहले समझते हैं, जब मनी नहीं था, जब मनी का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो इकोनॉमी में कैसे ट्रांजेक्शन्स होती थी। सो मनी से पहले जो इकोनॉमी होती थी वो हमारी सीसी इकोनॉमी होती थी। सीसी स्टैंड्स हियर फॉर कमोडिटी, सो इट इज कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। हम सब जो इसका फेमस नाम है उसको जानते हैं, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज आप और मैं हैं, मैं एक फार्मर हूँ और लेट सपोज आप एक टेलर हैं। मुझे मेरे कपड़े स्टिच करवाने होते हैं और आपको फूड ग्रेन्स चाहिए होता है खाने के लिए। पैसा नहीं है, मनी का कोई बीच में रोल नहीं है, तो हम आपस में एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कैसे हेल्पफुल होंगे? आपको फूड ग्रेन्स चाहिए, आप मुझसे फूड ग्रेन्स लेंगे, और मुझे क्या चाहिए, अपने क्लोथ स्टिच करवाने हैं तो आप मेरे लिए क्लोथ स्टिच कर देंगे। इट मीन्स यहाँ पर आपकी एक रिक्वायरमेंट है, मेरी एक रिक्वायरमेंट है, दोनों की रिक्वायरमेंट हम एक दूसरे की पूरी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सो लेट सपोज हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, 1 kg ऑफ राइस अगर मैं आपको दूंगी तो आप मेरे लेट सपोज 2 clothes स्टिच कर देंगे, या कुछ भी हमारे बीच में आपस में अरेंजमेंट हो सकती है, या और कुछ अरेंजमेंट हमारे बीच में हो सकती है कि अगर मैं आपको 1/2 kg ऑफ पल्सेस देती हूँ तो आप मेरे लिए 1 cloth स्टिच कर देंगे। सो इसी को हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, जहाँ पर दो लोग अपनी अपनी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं बाय एक्सचेंजिंग द कमोडिटी। So that's why we call it as CC economy as well as a barter system of exchange, right? लेकिन barter system of exchange में बहुत सारी problems हैं। बहुत सारी problems कौन कौन सी हो सकती हैं? Let's suppose मुझे कपड़े तो stitch करवाने हैं, लेकिन आपको इस वक्त food grains की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है कि आपको rice चाहिए ही चाहिए, या आपको pulses चाहिए ही चाहिए, यानी कि जो मेरे पास है available, ज़रूरी नहीं है कि आप को उस चीज़ की डिमांड है इस वक्त, राइट? तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बार्टर सिस्टम में, वो कि दो लोगों के बीच में एक्सचेंज तभी होगा जब उन दोनों की वॉन्ट्स आपस में कोइंसिडेंस करेंगी। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो आ सकती है वो ये आ सकती है कि मुझे कोई पर्टिकुलर कमोडिटी चाहिए किसी से, लेकिन उसको वो कमोडिटी नहीं चाहिए जो मेरे पास है, तो अब मैं क्या करूँ? मनी तो है नहीं कि मैं उससे खरीद लूँ। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉट्स। तो सबसे पहले एक बार ड्रॉबैक्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, डबल कोइंसिडेंस होना। डबल कोइंसिडेंस किस चीज का कोइंसिडेंस? वॉन्ट्स का। हम दोनों की वॉन्ट्स आपस में कोइंसिडेंस करें, इसका होना बहुत मुश्किल होता है। और अगर नहीं, हमारी वॉन्ट्स आपस में कोइंसिडेंस कर रही है, कोइंसाइड नहीं कर पा रही है, तो फिर अब कैसे करें, हम कैसे उस कमोडिटी को मैं अवेल करूं, राइट? दूसरी एक और प्रॉब्लम आती है कि हम ये डिसाइड कैसे करें कि कितने में कितना एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप मेरे 1 cloth स्टिच करेंगे तो मुझे आपको 1/2 kg ऑफ पल्सेस देना है, या फिर 2 kg ऑफ राइस देना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ऐसे क्या हो सकता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू मेरे पास नहीं आएगी कि भैया ओके दिस शुड बी द एक्सचेंज रेशियो, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। सो सेकंड जो ड्रॉबैक है, जो लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की, उसको हम बोलते हैं लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तीसरी हमारे सामने क्या समस्या आ सकती है, लेट सपोज
मुझे क्लोथ तो स्टिच करवाने हैं आपसे, आपका तो 12 मंथ्स का काम है, आप कभी भी क्लोथ स्टिच करके दे सकते हैं, लेकिन फूड ग्रेन्स ऐसी चीज़ है जो 12 मंथ्स नहीं हम उनको कल्टीवेट कर सकते, राइट? सो उनका एक सीज़न होता है हर एक क्रॉप्स का, तो अकॉर्डिंगली हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं वो सीज़न बेस्ड हैं कि किसी सीज़न में कोई क्रॉप्स होंगी, किसी सीज़न में कोई क्रॉप्स होंगी। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे आज आपसे क्लोथ चाहिए है, लेकिन उसके बदले में मैं आपको अभी नहीं दे सकती फूड ग्रेन्स, क्योंकि मेरे पास फ्यूचर में होंगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ सकती है बार्टर सिस्टम में, जहाँ पे हमको हम फ्यूचर पेमेंट्स कैसे करें। अभी मेरे को आप सर्विस दे दो, मैं आपको बाद में देना चाहती हूँ बदले में कुछ, ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें। तो ये भी एक बार्टर सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बार्टर सिस्टम में हमें एक और प्रॉब्लम आती है। अब मानिए आप कुछ सेव करना चाहते हैं, आप के पास फूड ग्रेन्स हैं, ठीक है, आप अभी सारा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, आप सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। आप कैसे सेव करेंगे? आपको एक प्रॉपर प्लेस चाहिए, स्पेस चाहिए अपने फूड ग्रेन्स को, जहाँ पे आप रख सके, ठीक है। उसके बाद एक तो आपको स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज कॉस्ट आपकी उसमें लगेगी। दूसरा, आपको उसमें लॉसेस होने के बहुत चांसेस हैं, फूड ग्रेन्स हो सकता है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, नेचुरल डिजास्टर हो जाए या कीड़े लग जाए, कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इसको बोलते हैं कैपिटल लॉस, आपका कैपिटल जो भी था फूड ग्रेन्स, जो आपकी कैपिटल है वो पूरी खराब हो सकती है। और मान लीजिए आपकी सेफ भी है, नाउ यू वांट टू ट्रांसफर शिफ्ट योर प्लेस, आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा जो आपके फूड ग्रेन से जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपको लेके अपने साथ चलना पड़ेगा, उस पर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। तो इसका मतलब बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम और थी कि हम कुछ सेविंग नहीं कर पा रहे थे फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो फोर्थ जो हमारी लिमिटेशन है, ड्रॉबैक्स हम बोल सकते हैं बार्टर सिस्टम का, वो क्या है, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, कैसे स्टोर करोगे आप, एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कैसे उसको ट्रांसफर करेंगे। तो बेसिकली ये और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, पर ये चार मेजर ड्रॉबैक्स थे जो बार्टर सिस्टम में हमें फेस करने पड़े थे। अगर आप इस चारों बार्ट जो चारों ड्रॉबैक्स हैं बार्टर सिस्टम के, उनको ध्यान से देखोगे, उनका सोल्यूशन ढूंढोगे, तो सबका सोल्यूशन आपको मनी निकल के आएगा। कैसे, अभी देखते हैं। पहली हमारी ड्रॉबैक की डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, इसका मतलब दोनों को एक दूसरे की चीज़ों का, सामान का, कमोडिटी का जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं है तो क्या करें, मनी होने से हमको ये सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर मुझे आपसे अपने क्लोथ स्टिच करवाने हैं, मैं आपसे करवा सकती हूँ, मैं आपको बदले में क्या दे दूंगी, मनी दे दूंगी, क्योंकि मनी आई हैव, ठीक है। फूड ग्रेन्स आई मे नॉट हैव राइट नाउ, लेकिन मनी मेरे पास है, तो आप क्लोथ स्टिच कर दीजिए और मैं आपको मनी पे कर दूंगी। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन इज मनी। सेकेंड ड्रॉबैक जो हमने देखी थी वो थी लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कैसे डिसाइड करें कि भैया किसके बदले में कितना सामान एक्सचेंज होगा। तो मनी के साथ आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, आपको पता है मार्केट में जाते एक पेन खरीदते हैं वो आपको 10 रुपए का पड़ता है, आप किसी भी शॉप में जाएंगे उसका प्राइस 10 रुपीज, आप 10 रुपीज पे करिए और पेन ले लीजिए। मतलब आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता कि भैया अगर एक मेरे को एक पेन लेना है तो उसके बदले में क्या मुझे 1 kg राइस देना है या 1/2 kg पल्सेस देने हैं या और कोई कमोडिटी। यहाँ फिक्स्ड है कि मनी मनी के टर्म्स में आपको 10 रुपीज देना है। तो इसका सोल्यूशन भी हमारे पास क्या है, मनी है। थर्ड ड्रॉबैक क्या है, फ्यूचर पेमेंट्स कैसे करें, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स कैसे करें। तो इसका आंसर भी मनी है। हो सकता है मैं आपको अपने यहाँ पे हायर करूँ, लेट सपोज, और मैं आपसे बोलूँ कि ठीक है आप मेरा ये पर्टिकुलर काम करिए पूरा फॉर दी मंथ, और जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पेमेंट कर दूंगी, ठीक है। सो दिस इज अगेन हम इजिली फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं। आज डिसाइड कर लिया हमने ये प्राइस रहेगा, 10,000 पर मंथ मिलेगा, आप करते रहिए, आपको 10,000 हर मंथ मंथ एंड में आपको मिलता रहेगा। तो हेयर ऑल्सो द सोल्यूशन इज मनी। लास्ट था हमारे पास स्टोरेज ऑफ मनी, कैसे स्टोर करें। ये प्रॉब्लम आ रही थी फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए, मुझे बहुत बड़ा स्पेस चाहिए था, फिर मुझे ये भी रिस्क था कि खराब ना हो जाए, और फिर मुझे अगर ट्रांसफर करना पड़े, शिफ्ट करना पड़े, तो दोबारा मुझे सबको लेके चलना पड़ेगा अपने साथ, जो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। मनी होने से क्या होगा, मनी के लिए आपको ऐसा तो नहीं करना पड़ता कि एक अलग से पूरा रूम लेना पड़ता है जहाँ पे आप मनी भर के रखें, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफर करने में ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि उसमें कीड़े लग जाएंगे या नेचुरल डिजास्टर से खराब हो जाएगा। तो हेयर ऑल्सो द सोल्यूशन इज मनी।
अब अगर मैं आपसे दोबारा यही क्वेश्चन पूछूं कि मनी क्या है, तो हमने क्या बोला था? मनी वो है जो मनी वाले काम करता है। इसका मतलब मनी वाले काम कौन से होते हैं? मनी वाले काम ये चारों काम होते हैं। मनी के जो मनी क्या करता है, मनी हम बोल सकते हैं इन्हीं चारों को ऊपर से बोल सकते हैं। पहला क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली सॉल्यूशन थी। इसका मतलब मनी हमारे को हेल्प करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप इजीली एक्सचेंज के लिए इसको एज अ मीडियम यूज कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या डिफिकल्टी आ रही थी? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, राइट? तो इसका मतलब मनी हमारा क्या काम करता है? एक मेजर देता है हमको, अ मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंड हम बोल सकते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड हमें क्या दिक्कत आ रही थी? फ्यूचर पेमेंट्स कैसे करें? तो मनी हमारे को इस चीज में भी हेल्प करता है, तो हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। तो ये हमारे को, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेफर्ड, मतलब बाद में जो होंगी, फ्यूचर की जो पेमेंट्स करनी है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और फोर्थ हमारा क्या है? डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज। तो हमारा एक और काम करता है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो आपको समझ में आया सीसी इकोनॉमी यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी? उन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन था दैट इज मनी। इसका मतलब मनी को, मनी हमने बोला हर वो एक चीज मनी है जो कि ये चार मेरी चीजें करके दे दे मुझे। और ये चार चीजें कौन कहाँ से आई है? चार चीजें जो ड्रॉबैक्स की बार्टर सिस्टम की, उन्हीं का सोल्यूशन है। चलिए अब डिटेल में एक बार देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी को। तो फंक्शंस ऑफ मनी को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक हम बोल सकते हैं प्राइमरी फंक्शंस और दूसरे को हम नाम दे सकते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जनरल मीनिंग क्या होता है? यहीं पर नहीं, हर जगह ये हमको जब आप पढ़ते हैं कहीं पर भी तो आपको दिखता है कुछ फंक्शंस को हम प्राइमरी बोलते हैं या किसी चीजों को हम प्राइमरी बोलते हैं, किसी को सेकेंडरी बोलते हैं। तो प्राइमरी होता है मतलब मेन फंक्शंस क्या है मनी के, प्राइमरी फंक्शंस मतलब मेन फंक्शंस क्या है, और सेकेंडरी फंक्शंस मतलब सब्सिडरी जो नॉट मेन बट और भी कुछ सेकेंड नंबर पे जिनकी बारी आएगी वो फंक्शंस कैसे। तो हमने फंक्शंस ऑफ मनी को प्राइमरी और सेकेंडरी में बांट लिया है। सो फंक्शंस जैसे मैंने आपको बताया ये चार ही रहेंगे, लेकिन मैंने इनको क्या करा, दो टुकड़ों में कर दिया। कुछ को मैंने प्राइमरी बोल दिया और कुछ को मैंने सेकेंडरी बोल दिया। प्राइमरी में हम किस किस को रखेंगे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट? मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्योंकि आप देखिए आपको डे टू डे, जब आप डे टू डे लाइफ में अपनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आप कुछ परचेज करने जाते हैं, कुछ सर्विसेज अवेल करते हैं, तो आपको पैसा देते हैं, आप डेली कहीं ना कहीं पैसा दे रहे होते हैं। आप बस में चढ़ते हैं, बस में राइड करते हैं तो आप टिकट परचेज करते हैं, आप मूवी देखने जाते हैं तो आप टिकट परचेज करते हैं, आप अगर कुछ खाने के लिए लेते हैं तो आप पैसे देते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा चीज़ है जो आप डे टू डे अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला फंक्शन तो आप सभी कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो ये मेरा प्राइमरी फंक्शन है। दूसरा प्राइमरी फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू, राइट? ये क्यों प्राइमरी फंक्शन है? क्योंकि आपको शॉप में जाके ये डिसाइड नहीं करना पड़ रहा कि अच्छा अगर मैं एक टिकट लूँ तो मुझे कितना पे करना है, राइट? बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, ये मेजरमेंट ऑलरेडी हुआ है कि अगर आप ये पर्टिकुलर सर्विस या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको इतना पैसा पे करना है, राइट? तो सेकेंड जो मेजर ऑफ वैल्यू है या इसको हम यूनिट ऑफ वैल्यू बोल सकते हैं, ये भी इसका प्राइमरी फंक्शन है। तो आपको मॉनिटरी टर्म्स, मॉनिटरी मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू द मनी। तो मॉनिटरी वैल्यू आपको हर एक चीज की, पहले दो फंक्शंस को हमने प्राइमरी फंक्शंस का नाम दे दिया है। अब सेकेंडरी फंक्शंस, तो जो स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट वाला फंक्शन है और जो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जिसको हम स्टोर ऑफ वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसको आप स्टोर भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, स्टोर करने के लिए या फिर ट्रांसफर करते टाइम जैसे हमने ऊपर देखा था। तो ये वाला फंक्शन हमारा सेकेंडरी है। तो आपको चारों चीजें पता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स एंड स्टोर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अभी हमने जस्ट इसको डिस्कस किया था ऊपर प्राइमरी, क्योंकि आप डे टू डे अगर आप खुद अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे तो आप डे टू डे पहला और दूसरा काम करते ही करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ इज अ सेकेंडरी फंक्शन कि भाई हाँ, अगर आप आज पेमेंट नहीं करना चाहते, कल को करना चाहते, तो यू कैन यू नो एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एनी एग्रीमेंट कि भाई आप हमारे पास पूरा काम करो एंड आफ्टर दैट विल पे यू दिस मच अमाउंट। सो एक कॉन्ट्रैक्ट है डेफर्ड पेमेंट्स के लिए। और स्टोर एंड ट्रांसफर, जैसे मैंने आपको बताया, आपको मनी को किसी एक रूम की जरूरत नहीं है पैसा भरने के लिए। आने वाली वीडियोस में हम फॉर्म्स ऑफ मनी समझेंगे और उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी के बारे में भी समझेंगे।